बडनेरा पुलिस स्टेशन के हद अंतर्गत आने वाले भानखेड़ा बुजुर्ग के सरपंच ने सोमवार की दोपहर बडनेरा पुलिस स्टेशन में फोन कर यह सूचना दी कि एक युवती के साथ में कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। सूचना मिलने के बाद बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी ने बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक सहित संपूर्ण दल को भानखेड़ा बुजुर्ग रवाना किया। बडनेरा पुलिस स्टेशन के दल ने पीड़ित युवती से घटना के संदर्भ में जब जानकारी ली तो यह बात निकल कर सामने आई कि तीन युवकों ने मिलकर उसे भानखेड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित युवती की शिकायत सुनने के पश्चात पुलिस स्टेशन के दल ने तुरंत ही पीड़ित युवती को बडनेरा पुलिस स्टेशन में लाया और उसकी मेडिकल जांच करवाई तथा पीड़ित युवती के अनुसार जिन युवकों ने उस पर बलात्कार किया उनके नाम और पहचान भी पुलिस को बताई। बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तुरंत कार्यवाही करते हुए इसमें आरोपी क्रमांक 1 रतन अवधूत पाटिल शोभा नगर निवासी को रात में ही गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आरोपी क्रमांक 2 सुनील विष्णु राठौड़ जो कि बडनेरा के कस्तूरा मोगरा का रहवासी है एवं आरोपी क्रमांक 3 दिनेश यादव जो शोभा नगर में रहता है, तीनों ही आरोपियों के खिलाफ बडनेरा पुलिस स्टेशन में पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड विधान के धारा 376 ड 120 ब 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित युवती के संदर्भ में इस प्रकार से जानकारी मिली है कि यह युवती किसी ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है एवं बडनेरा में वह किसी कपड़े के दुकान में काम करती थी। इसी के चलते उस युवती के साथ युवकों के साथ में कुछ पुरानी पहचान होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसके चलते यह हैवानियत भरी घटना घटित हुई है। यह संपूर्ण कार्यवाही DCP यशवंत सोलंके, ACP सोहेल शेख के मार्गदर्शन में बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी के नेतृत्व में बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने मिलकर की है। इस संदर्भ में पंजाब वंजारी ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया, कल रात में सर एक 376 का प्रकरण बडनेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई और कितने आरोपी अटक हुए? कल रात को कम से कम 12-1 बजे एक 30 वर्षीय महिला आई, रिपोर्ट दी उसने कि मेरे साथ 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया है। उस मुताबिक हमने उसमें के 3 आरोपी निष्पन्न करके 3 आरोपी को अभी तक हमने अटक कर लिया है और बाकी लेडीज का सब तहपास वगैरह सब चालू है। बड़े हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे DCP सोहेल साहब सोलंके सर और ACP सोहेल साहब, इन्होंने घटनास्थल को स्पॉट को विजिट किए हैं, हमको गाइडेंस किया है। और मेरा ये कहना है लोगों को और लेडीज को कहना है कि कोई भी अपने ना पहचान वाला अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाना नहीं, कहीं जंगल में जाना नहीं, जो कि ऐसी घटना हो जाए। सर घटना स्थल नेम का कहां पर हुआ? भानखेड़ से 1 किलोमीटर अंदर गांव है, भानखेड़ शिवार में बोलती है उसको, भानखेड़ खुर्द, उसके अंदर 1 किलोमीटर खेत है, वो खेत में हो गई हो सुनील। और आरोपी बढ़ सकते हैं सर इसमें? नहीं नहीं, 3 ही आरोपी है, 3 और देखते हैं तपास के अंदर क्या होता है, तो तपास के अंदर अभी तो स्टार्ट हो गया अभी। कि जिस प्रकार से पीड़ित युवती ने न्याय मांगा उतने ही जल्द हमने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। शायद आरोपियों की संख्या बढ़ने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि यह जांच का भाग है, इसमें आगे कुछ भी हो सकता है। विदर्भ न्यूज के लिए बडनेरा से शोएब खान की रिपोर्ट।